आज हम बनाएंगे सर्दियों में सबका मनपसंद गाजर का हलवा, और वो भी हलवाई स्टाइल। ये हलवा बनाने के लिए हम खोए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले, फिर भी यह हलवा हलवाई की तरह दानेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए बिना खोए हलवाई जैसा गाजर का हलवा किस तरह से बनाया जाता है वो देखें। मैं हूँ हितर, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैंने अभी 1 किलो गाजर लिए हैं। जब भी आप गाजर का हलवा बनाने के लिए मार्केट में से गाजर खरीदे तो इस तरह के जो डार्क पिंक कलर वाले गाजर आते हैं वो ले। इसमें जो बीच में सफेद पार्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हलवा ज्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होगा। पानी से हम गाजर को पहले अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर पिलर से उसके जो छिलके है वो निकाल देंगे। सर्दियों के मौसम में ऐसे डार्क कलर वाले गाजर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो हो सके तो ऐसे डार्क कलर वाले गाजर ही आप खरीदें। इतनी क्वांटिटी में से आप 4 से 5 लोगों के लिए ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी गाजर के ऊपर के जो छिलके हैं उसे निकाल लेते हैं। मैंने अभी गाजर तैयार कर लिए है, तो इसे अभी हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए जो सबसे बड़ी वाली साइड है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो हलवा है वो बहुत ही दानेदार बने। तो सारे गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। वैसे अक्सर लोग गाजर को बिना किसे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फिर उबालकर उसका हलवा बनाते हैं, लेकिन अगर आपको हलवाई स्टाइल हलवा बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सारे गाजर अभी कद्दूकस कर लिए है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 चम्मच घी गरम करने के लिए रखा है। अब इसके अंदर हम कद्दूकस किए हुए गाजर डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो भारी तले वाली कढ़ाई या तो फिर नॉनस्टिक का इस्तेमाल करें, ताकि जो हलवा है वो नीचे बिल्कुल चिपके नहीं। घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पर हम कवर लगा देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर हमें थोड़ा सा पका लेना है। ऐसे 2-3 मिनट भाप पर रखने से हमारा जो हलवा है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अभी हम दूध। इसमें हम खोया यानी कि मावा बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। दूध के अंदर ही इसे हम पकाएंगे, ताकि दूध का अच्छी तरह से मावा तैयार हो जाए और गाजर भी पक जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है, आपके पास मलाई निकाला हुआ दूध बचा है, तो आप फिर 5 कप इसके अंदर दूध डालें। अभी मैंने 4 कप डाला है जो 1 लीटर होता है। दूध डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। वैसे इस तरह से हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 20 से 25 मिनट में 1 किलो गाजर में से हलवा बनकर तैयार हो जाता है। और साथ में आप अपना जो काम है बाकी रसोई का वो भी कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट के बाद इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है, ताकि ऊपर मलाई की परत ना जमे। अगर आप इस तरह से एक बार हलवा बनाएंगे तो फिर इस तरह से ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये हलवे का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। धीरे धीरे दूध उबलता जाएगा, उसमें से खोया तैयार होता जाएगा और हमारे जो गाजर है वो भी अच्छी तरह से पकते जाएंगे। अगर आपका दूध फुल फैट वाला है तो हलवा बनाने में थोड़ा सा कम समय लगेगा, क्योंकि हमें दूध की क्वांटिटी कम डालनी होती है। लेकिन आपका दूध मलाई निकला हुआ है तो आपको दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि मलाई निकलने के बाद जल्दी से दूध के अंदर से खोया तैयार नहीं होता है। अभी काफ़ी सारा दूध जो है वो उबल चुका है और खोया तैयार हो चुका है, तो इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। अभी मैंने 1/2 कप चीनी इसके अंदर डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा हलवा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और कम मीठा पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी घटा भी सकते हैं। चीनी डालने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लूज हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप फिर से वो गाढ़ी होने लगेगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए ये हलवा बना रहे हैं तो आप चीनी की जगह पर जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन उससे हलवे का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अभी चीनी का जो पानी है वो जल चुका है, कंसिस्टेंसी फिर से गाढ़ी होने लगी है। ये स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और चलाते रहेंगे। अगर ये स्टेज पर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि नीचे से आपका जो हलवा है वो चिपक जाए।
वैसे नॉनस्टिक के अंदर ये हलवा नहीं चिपकता है। जैसे जैसे हमारा हलवा तैयार होता जाएगा, बुलबुले कम होते दिखाई देंगे और थोड़ी देर में इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देने लगेगी। जब ऐसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाए तब इसके अंदर डालेंगे हम घी। घी डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये स्टेज पर अगर आप 1 से 2 चम्मच घी इसके अंदर डालते हैं तो हलवे के अंदर बहुत ही बढ़िया शाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस है और अगर आपको घी नहीं डालना है तो आप बिना घी डाले भी हलवा बना सकते हैं। घी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट में इसके अंदर डालेंगे हम इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट। मैंने अभी यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है। इलायची का पाउडर डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम किशमिश। मैंने 2 चम्मच के करीब किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ पिस्ता डालेंगे और साथ में डालेंगे बादाम। मैंने अभी किशमिश, बादाम और पिस्ता डाले हैं। अगर आपको काजू डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम और पिस्ता हम बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे तो अभी हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। वैसे आप ये हलवा ठंडा या गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। ठंडा हो या गर्म, गाजर का हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं अभी आपको थोड़ा सा हलवा नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार हमारा हलवा बनकर अभी तैयार हुआ है। तो ये गर्मा गर्म गाजर के हलवे को हम एक सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और फिर उसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं। गाजर के हलवे की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर से मिलेंगे।